तो भाई साहब, नीरज चोपड़ा ने अपने ओलंपिक्स 2024 में जो अपने करियर का सेकेंड हाईएस्ट थ्रो लगाया था, उस रिकॉर्ड को भी नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2024 में ब्रेक कर दिया है। यानी कि डायमंड लीग, आपको नहीं मालूम तो डायमंड लीग इज अ एनुअल होने वाली लीग है, जहाँ पे काफ़ी सारे देश के कॉम्पिटिटर, स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और ओलंपिक्स की तरह से ही उसको खेला जाता है। और इसकी स्टार्टिंग डेट थी 20 अप्रैल और इसकी एंडिंग डेट है 14 सितंबर। तो आप समझोगे कि ये इतना लंबा टूर्नामेंट चलता है, इतनी बड़ी लीग है, पर इसमें कुछ टाइम बाय टाइम और कुछ कंट्री वाइज टूर्नामेंट्स होते हैं। इसमें इस साल 3 कंट्रीज में ये सारे टूर्नामेंट्स हुए हैं, USA, यूरोप एंड अपना एशिया। तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि एशिया में भी डायमंड लीग्स हो रही है। तो वहाँ पे अपने नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर का थ्रो लगा के सेकेंड पोजीशन पे कंप्लीट किया है। और आपको नहीं मालूम तो नीरज चोपड़ा वही इंसान है जिन्होंने डायमंड लीग 2022 एंड 23 में फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश किया था और उसको जीता था। तो आई होप सो कि इस साल हमने नहीं जीत पाया, पर ओलंपिक्स में भी हमने जो सिल्वर मेडल जीता था और यहाँ पे भी सिल्वर पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे इन्होंने ख़त्म किया है। तो आपको बता दूँ कैसे रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। यानी कि ओलंपिक का उनका रिकॉर्ड था 89.45 मीटर और वहाँ पे डायमंड लीग में है 89.49 मीटर, यानी कि सिर्फ 0.5, उतना ही फर्क है, सिर्फ चार मीटर का फर्क है। तो भाई साहब, चार इतनी दूर फेंकने के बाद भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आते। और जो फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं वो है ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, यानी कि वही एंडरसन पीटर्स जिन्होंने ओलंपिक्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे, पर उन्होंने टॉप 5 में कम्पीट नहीं कर पाए। और आई होप सो कि वो अपने बेस्ट नहीं दे पाए, पर इन्होंने यहाँ पे अपने देश का नाम रोशन किया और यहाँ पे उनकी शक्ति प्रदर्शन इसने की और यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पोजीशन पे कंप्लीट किया है। तो आई होप सो कि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटेड नॉलेज मिल सकता हो इस वीडियो के साथ। तो मैं यही चाहूँगा कि आप भी लगातार मेरे साथ जुड़ते रहो, तो आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिलती रहेगी। तो अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, बाय।